वंदना भाभी, मैंने आपको सब बता दिया, अब आप ही फैसला कीजिए कि ये तो गलत है ना। मतलब पहले सामने वाले को ये कहो कि तू कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, और जब वो जिम्मेदारी उठाए तब ये कहना कि क्या जरूरत थी। आ रही हो गई तू? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अब मैं नहीं चाहता कि ये परेशान हो इसलिए। अरे वो क्या बात कर रहा है अर्षद भाई, नकु भाई के सामने आप ही ने तो बोला था कि दूसरे फ्लैट की पूरी जिम्मेदारी ज्योति, मतलब ज्योति भाभी ने संभाल ली है। मेरे सामने तो नहीं कहा ऐसा, सुबह से वो प्लम्बर के लिए मैं दक्षिश भैया के साथ कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, तब नहीं कहा इन्होंने ऐसा। अंजन कोऑर्डिनेट कर रही थी। हाँ वही, सेम टू सेम, तब नहीं कहा इन्होंने ऐसे, तब तो ये कहा कि ज्योति तू टेंशन मत ले, तुझे मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। अंकल मतलब इनके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं। मम्मा आप अपना फैसला सुनाए। हर्षद भाई आप अभी उस टेनेंट को फोन करके आने से मना कर दीजिए, ज्योति भाभी वाला टेनेंट शाम को आ रहा है और वही फाइनल। लगाइए लगाइए फोन, लगाइए और स्पीकर पे रखिएगा, मुझे भी सुनना है अगला क्या कह रहे हैं। हेलो मिस्टर अग्रवाल, टेल मी। हेलो मिस मिस्त्री, दरअसल मैंने फोन आपको इसीलिए किया था। आप फ्री कट टूथपेस्ट कंघी वगैरह कुछ नहीं देंगे, जानती हूँ ये आपका होटल नहीं, एक फैमिली वाली सोसाइटी का फ्लैट है, से आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इन बनाया हुआ है। एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल, इसी रीजन से तो मेरे परिवार ने मुझे मुंबई आने अलाउ किया, वरना मुझे अकेले रहने ना बहुत डर लगता है। सुबह 8 बजे निकलूंगी, रात 8:30 बजे घर आऊंगी, घर लौटकर फैमिली वाला माहौल मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो ठीक है मिस मिस्त्री, आपकी राह देख रहे हम लोग। ओके थैंक यू। मैं और क्या बोलूं, मैं फरहाद को फोन लगाती हूँ। केम छो ज्योति बहन? मजा मा वो आपने इसलिए फोन किया ना कि कहीं मैंने आपके फ्लैट में रेंट पे रहने का आइडिया कैंसिल तो नहीं कर दिया। अरे ज्योति बहन कर सकता हूँ, मैं तो इनफैक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत ईगर हूँ आपके हाउसिंग सोसाइटी में आके रहने को। क्या है ना, कुछ महीनों पहले मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए, तो डॉक्टर ने बोला फरहाद देख लो रहवानू ने, इसलिए तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो एक हाउसिंग सोसाइटी में हो। अच्छी अच्छी बात है फरहाद भाई। फिर तो आपके सेक्रेटरी जो है ना सोसाइटी के, उनका मैंने सोशल मीडिया पेज देखा, उस पे लिखा हुआ था कि उनको रात को काम करने वाले टेनेंट से कोई तकलीफ नहीं है। क्या है ना, मैं जाऊंगा रात को 8 बजे, आऊंगा सुबह 8:30 बजे, आपने कोई ने तकलीफ आपवानी नहीं अने कोई ने तकलीफ थशे नहीं, तो आओ छू ज्योति बहन। हाँ ये मुश्किल में ना आप ही की वजह से फंसे हैं हम। क्या मेरी वजह से फंसे? आज के बाद है ना तुझे कुछ बोलूंगा नहीं। अच्छा तो पहले क्यों दी जिम्मेदारी? आप जिम्मेदारी देखे क्या? अरे तेरे से कुछ होता ही नहीं है, ये काम किया हमने। एक मिनट, आप लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी या नहीं? अरे जरीन ने कितना क्लियरली कहा, वो सुबह 8 बजे जाएगी और रात को 8:30 बजे आएगी, और फरहाद रात को 8 बजे जाएगा और सुबह 8:30 बजे आएगा। ओ मतलब वो दोनों एक साथ एक टाइम पर एक घर पर रहने ही नहीं वाले। मतलब जरीन सुबह 8 बजे जब घर से निकलेगी तो आधे घंटे में हम घर को फिर से जैसा था वैसा ही कर देंगे। और फरहाद जब रात को 8 बजे जाएगा तो हम लोग आधे घंटे में घर जैसा था जैसा जरीन छोड़ के गई थी वैसा कर देंगे। Exactly! Exactly! दोनों को गलत सलाह दे रही हो तुम, दो रैंडम लोगों को एक साथ एक फ्लैट किराए पर देना ये फ्रॉड होगा। Exactly! नहीं होगा, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। बेटी जेल भिजवाएगी। आपको कुछ भी चाहिए ना,
तो अथर्व और विद्युत उनको बोलना। ठीक है ठीक। थैंक यू। कल जब वो वापस आएंगे ना तो पूरा घर ऐसा कैसे ही होना चाहिए। ओके हर कॉर्नर की फोटो ले ले। हाँ हाँ यहाँ की। चल अब इस घर को ऐसा बना देते हैं जैसे कि कोई आया ही ना। चल बेडरूम क्लीन कर दिया। हाँ। ओके डन नाइस। आई 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 ये अपना घर। ये डाइनिंग टेबल इधर मस्त है। और ये सोफा। हाँ ये बालकनी, ये बाथरूम और ये हमारा छोरा विद्युत और ये उसका दोस्त अथर्व। हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। हाँ, कुछ भी चाहिए होगा ना आप हमें बता सकते हैं। मैं बैग कबर्ड में रख देती हूँ। नहीं, 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 तुम इसमें अपना सामान नहीं रख सकती है। क्यों 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 वो लॉक लॉक खराब है इसका। हाँ, खुलता ही नहीं है। आप एक काम करो ना वो अलमारी में रखो सामान। मोस्ट अलमारी है, मजा आएगा उधर। आइए ये, अच्छा ला मैं रख देता हूँ। अच्छा तो अब मेरे को तैयार होना है, निकलना है ना काम के लिए 8 बजे, तो आप लोग जाइए। निकलिए निकलिए, टाइम पर निकलिए वरना हमें तो आधा घंटा भी नहीं मिलेगा। क्या आधा घंटा तो लगेगा ना कम से कम, आपको जहाँ पहुँचना है उधर। हाँ। ऐसे बोल रहा था तो टाइम पे निकलना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? चलिए चलिए। हाँ। चल, 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 चल। चलो चलो बच्चों। हाँ। बाय। निकल जाना टाइम से। सुन, तुम लोग नीचे जाओ और नीचे जाके ना वो जैसे ही फराद आया ना तो हमें इन्फॉर्म कर। हाँ, हमारा कोई कुड़वर्ड नहीं होगा, हम काँव काँव की आवाज में बताएंगे। काँव काँव। देखा, इसलिए इसे सड़े नहीं जासूसी सीरियल देखने को मना करता हूँ मैं। ठीक है तुम लोग फोन करना, एक फोन करना। जल्दी खोल जल्दी खोल फोन बज रहा आपका। हाँ हेलो वो आ गया। अरे 5 मिनट लगेगा अभी, उसको रोक के रख, रोक के रख तू। आपके लिए नहीं है। हेलो भैया। हेलो हेलो अभिनव राइट? नो नो अथर्व। सॉरी सॉरी मुझे बहुत नींद आ रही है, रात भर काम किया है ना। नो वरीज, हमें आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी है? आप इंजीनियर हो ना तो अल्जेब्रा के क्वेश्चन पूछना था। अभी अर्जेंट है। हाँ
मुझे बहुत नींद आ रही है। एक मिनट मिनट, ये देखो बायनोमियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, बस इतना बताना है। बायनोमियल थ्योरम से। ये बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? हाँ, तुम्हारी किताब में होगा ना, पढ़ लो। एक मिनट, बायनोमियल इक्वेशन तो सिर्फ एक बहाना था, हमें ना आपसे एक पर्सनल इशू के बारे में सलाह लेनी थी। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने उंगा वे थे, मैं सुआ जाऊँ। एक मिनट मिनट मिनट, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम। हाँ, गर्लफ्रेंड खुद एक प्रॉब्लम होती है, जब तक लाइफ में ना हो ना तो हमें लगता है लाइफ में कुछ तो कमी है, लेकिन जब लाइफ में आ जाए तब मालूम पड़ता है क्या कमी थी परेशानियों की। जब तक उसे गर्लफ्रेंड स्टेटस ना मिले ना, तुम्हारी हर चीज उसे अच्छी लगती है, ओ ये स्टबल इज सो क्यूट, लेकिन जब उसे गर्लफ्रेंड स्टेटस मिल जाए तब देखना, तब बोलेगी ओ ये स्टबल यू आर सो अनकैप्ट, लो शादी छे भाई, तने रोमांटिक पिक्चर पसंद छे, ओ यू आर सो सेंसिटिव, एक्शन पिक्चर पसंद है, यू आर अ सेडिस्ट सेडिस्ट। प्लीज मेरी एक एडवाइस मानो, गर्लफ्रेंड मत पालो। समझ में आ गई? हेलो विद्युत, ऑल ओके, भेज उसको। थैंक गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, डोंट वरी। मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, जिसने आपका ये हाल किया। क्या बोलता है तुम लोग, मुझे नींद आ रहा है। राजेश बाबू। हाँ। इंटरव्यू देकर आए और बताया भी नहीं कि इंटरव्यू कैसा हुआ। हाँ बंधु, कम एक्सपीरियंस की वजह से नौकरी ना मिले ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जहाँ मैं इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ, उस कंपनी के ओनर ने मुझसे कहा कि मिस्टर वागले आप ओवर एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वी कैन नॉट अफोर्ड। व्हाट? ही वाज राइट। या आई मीन हर कंपनी तुमको अफोर्ड थोड़ी ना कर सकती है। कंपनी बहुत लकी होगी जहां मिस्टर राजेश वागले काम करेंगे, है ना? तुम्हें पता है क्या रहा, हर दो तीन दिन में फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछती है। आई थिंक सब ना वहां पे तुमको बहुत मिस करते हैं। सब कुछ कितने आराम से तुम मैनेज कर लेते थे ना, सबको हिम्मत मिलती थी तुम्हारे होने से, और अब सबकी हिम्मत टूट रही है। जैसे हैरी को पता चला है कि कंपनी की हालत खराब है, वहां दो के पीछे पड़ा। बोलो। हाँ कियारा मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं कल आता हूँ मिलने। ओके बाय। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, कियारा मैम कह रही थी कि सब बहुत मिस कर रहे हैं, तो कल मैं आ जाऊँ ऑफिस। इतने दिनों बाद मिलूंगा सबसे। क्या दिन थे P2P मैक्स के। अच्छा कल जा रहा हूँ तो उस भुक्कड़ दासानी के लिए टिफिन दे देना, ताकि वो भी खुश हो। And, कुछ स्ट्रेटजीज है दिमाग में उस हैरी से टैकल करने के लिए, कियारा मैम से शेयर कर दो। क्या हुआ, ऐसे क्या दिख रही हो? देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे की खुशी। हाँ, P2P मैक्स का नाम सुनते ही सीरियसली, मतलब अब तुम P2P मैक्स में काम नहीं करते हो, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हो। आई वाज राइट। जिस भी कंपनी में जाओगे ना राजेश बाबू, वो कंपनी बहुत लकी होगी। फिलहाल बंधु मुझे ना तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। सॉरी, नहीं दे सकती कंपनी। क्यों? अब भूल गए क्या? क्या? गेम नाइट, हर्षद भाई, दक्कू भाई, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी सब आ रहे हैं, तो हमें आज उनको कंपनी देनी है राजेश बाबू। ओके, एक रेक्टेंगल बड़ा वाला, उसके बाद में उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स इन अ लाइन। हां, एक लाइन में ऊपर नीचे बता ही नहीं रहे हो। वहाँ बीच में बनाओ ना लाइन से। क्या है? कैडबरी? बस है रे, बस देख। ट्रेन है, ट्रेन। नीचे नीचे दो सर्कल्स बनाना, ओके? और एकदम एंड में एक ट्रायंगल बना। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ये क्या बनना है तुमने? एरोप्लेन था ये। एरोप्लेन का नोज, एरोप्लेन का नोज निकल गया। ब्लू वाली कलर ब्लाइंड है।
हाँ बताइए। देख एक तो बड़ा वाला ये रेक्टेंगल बना, अभी क्या करना दो सर्कल बना ऊपर और दो नीचे बना, लेकिन सुन बीच में बनाना, बीच में ये जगह होना चाहिए आजू बाजू में। हाँ हाँ समझ गई, चूल्हा चूल्हा चूल्हा। ये देख ये देख ये देख ये 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 देख इधर देख। 15 सेकंड में क्या बात है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ये क्या है, अब ये सही मायने में एक दूसरे के पार्टनर्स है ना, हाँ इसीलिए इतनी कोऑर्डिनेशन। सही मायने में पार्टनर्स मतलब? मतलब पार्टनर्स इन क्राइम। क्राइम? वो भी मेरी सुमित और सन हाइट सोसाइटी में? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? ओ आतिश भाई क्या 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 फोन है? अरे ये दोस्त है हर्षद भाई। नहीं नहीं अरे नहीं उतना बता सकते। देखिए हर्षद भाई ज्योति भाभी, हम जिस तरह के दोस्त हैं हम में सीक्रेट्स नहीं रखते हैं। राइट अरे क्राइम क्या है वो बताओ। एक मिनट दक्षिश भैया, ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है हमने। क्या है यार, हमारा जो बाप का घर वाला फ्लैट है ना, वहाँ पे हमने गलती से एक साथ दो लोगों की बुकिंग कर ली है। लेकिन वो जरीन है ना, वो सुबह 8 बजे काम पे निकल जाएगी और रात को 8:30 बजे आएगी। और जो फरहाद है ना, वो रात को 8 बजे काम पे निकल जाएगा और सुबह 8:30 बजे आएगा, तो हम दोनों को डैमेज कर लेंगे। मैनेज ज्योति भाभी, मैनेज। हाँ वही सेम टू सेम। ये तो पक्का क्राइम है, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। क्या 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 कुछ भी क्या बोल रहा है, कैसे फ्रॉड केस हुआ? कंप्लेन कौन करेगा बे? अरे किराएदार करेंगे, और कौन करेगा? व्हाट? अबे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो कंप्लेन क्या करेंगे? अरे पंटर थोड़ा दिमाग लगा, अगर वो जरीन बीमार पड़ गई ऑफिस नहीं गई तो हाँ। फरहाद आ गया तो क्या करेगा? नस्तर काली जुबान कहीं के What? वो राजेश भाई इसको बोलो ना, ये क्या खुबी बोल रहे हैं? एक मिनट हर्ष भाई, शांत शांत। देखिए रघु भाई गलत नहीं है, इनफैक्ट उनकी बात में बहुत सेंस है। नॉनसेंस है ये, इस बात पे सेंस है। एग्जैक्टली इस बात में सेंस है, इनफैक्ट वो आपको वार्न कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। वाह वन्ना भाभी आप महान है, सचमुच महान है। सोच ले पंटर, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला और किसी ने मुझे कंप्लेन की तो सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होटल के नाते तेरे फ्लैट को होटल की तरह चलाने की जो परमिशन है ना उसे कैंसिल करना पड़ेगा। एक और दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं, ये इधर नहीं है, ये इधर इसको हटा दे। हाँ अभी वहाँ पे नहीं, ये इधर जो है ना, इधर रूम में आप दोनों मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? गैस आ रही थी। गैस की गन गन आ रही थी, लीकेज चेक करने के लिए आए हम लोग यहाँ पर। क्या है कुछ गैस की गंध? मुझको तो नहीं आ रही है, और गैस लीक कहाँ से होगी? मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं बनाया है। हाउ कम? कम नहीं बहुत ज्यादा आ रही है ना, आ रही है ना? आ रही है। हाउ कम मतलब मुझको बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा वैसे कम? ओ नहीं, ओ होता है कभी कभार, क्या है ऐसा होता है, पाइप में से गैस लीक होती है। ओ यू कांट गैस दी गैस ना, इसलिए नहीं वो। आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ नहीं ज्योति बहन, वो सिर बहुत दुख रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी। क्या नहीं मतलब आप ऑफिस नहीं जा रही? हाँ छुट्टी का मतलब यही होता है ना। अभी 8:30 बजे फरहाद आ जाएगा। हाँ वो तो आएगा ना।
बाहर बाहर क्या? नहीं वो बाहर देख के आता हूँ कि वो गैस बाहर से कोई लीक तो है कि नहीं है। ज्यादा लीकेज हो जाएगी। हाँ, अरे ज्योति बहन आप जाइए ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्लीज आप जाइए, मेरे को सोने का है। प्लीज जाइए। एक मिनट। अब मैं क्या सोच रही थी, तुम्हें सिर दर्द हो रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसे हमारे घर पे आके किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम्हारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.